जिन्हें मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद। गहरी निद्रा के अंदर सोए हुए भारत माता उसको जगाने के लिए आती है। विश्वपुरी से चल के भारत माता कलकत्ते में आई, दिए कई बोल लिए आंख खोल कर, हाँ घोस घोस बोल कहती कि बेटा अब तेरा उठने का समय आ गया है, ये पूरा हिंदुस्तान ये भारत देश तेरे को जगाना चाहता है। सजनों बैठ जाओ भाई। जब सुभाष चंद्र बोस गहरी निद्रा से उठे, उठते ही क्या कहा, उठते ही जहिंद कहा प्रभु सजनों। जब जहिंद की आवाज सुभाष की भाभी के कानों में गई, नुकर लगी सुभाष तेरे को पता नहीं जहिंद कहने वालों का इन अंग्रेजों ने क्या हाल कर दिया, कोई काला पानी तोड़ दिया, कोई फांसी पर तोड़ दिया, तेरी क्या औकात है। नुकर लगा भाभी मैं नहीं डरता इनसे, मेरे मन में तो उमंग है चाव है, मैं मेरा भारत देश ने आजाद कराऊंगा। सजनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां से चलने की तैयारी करते हैं, नुकर लगे सुभाष मानना नहीं, अक नहीं भाभी, फिर एक काम कर दिए के मेरे लिए एक साड़ी नहीं लाते बोस, किसी साड़ी ला दे हो दुख दूर उम्र भर का हो। भाभी इतना साड़ी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन ऐसी साड़ी लाऊंगा आज तक किसी औरत ने नहीं पहनी। सजनों मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, गौर करिए वो आजादी में रंगी हुई साड़ी किस किस का उसमें फोटो होगा, कौन सी जगह होगी, किस किस का उसके अंदर नाम होगा, किसी साड़ी दीवार क्या कहा। और चतेरा छापा फैशन और ढंग देख लिए, और जिसा बताया सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, ये बूढ़े बैठे पक्ष उसकी ये रागनी है कि थप्पा और चतेरा छप्पा फैशन और ढंग देख लिए, और जिसा बताया था उसे अपनी सारी कहानी देख ली। भाभी उसा तो रोक होगा जिसे तू कहोगी, उसा फैशन होगा। पहली बात में गौर करिए परमेश्वर जनों कि क्या होगा साड़ी में, क्या लिखा पहली बात चंद्रमा ओ
जितने बताए तन्ना फोटो सारे होंगे साड़ी में, सूर्य चंद्र में और नौलख तारे होंगे साड़ी में, बोस पटेल चंद्रशेखर खड़े न्यारे होंगे साड़ी में सीधा, और पीला हरा सफेद लाल रंग ये सारे होंगे साड़ी में। तख्ते ऊपर खड़े आया सरदार भगत सिंह देख लिए, जिसा बताया उसा अपनी साड़ी का रंग देख लिए। तू नक्शे का जिक्र करती है, कौन सा नक्शा होगा तेरी साड़ी में? नंबर दो को के पन्नों के ऊपर नहीं है प्रेमी सजनों, और आपका चा मजा होगा दिखने में। जिक्रा करेंगे 13 साल का एक बच्चा, जब क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे बनारस की गलियों से क्रांतिकारियों का जत्था गया, और 13
साल का बच्चा उनके साथ में मिल गया। सजनों गौर करिए, 13 साल का बच्चा कौन था उनके साथ में चला गया। नुक्कड़ लग रहा है, तेरा क्या कम भाई, तू तो 13 साल का है, तू उन अंग्रेजों का कहर कैसे सहन कर सकता है। प्रेमी सजनों, उन क्रांतिकारियों ने जब वहां पर आंदोलन कराया तो अंग्रेजों की सरकार ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के जब सबके सामने पेश किया गया उस 13 साल के बच्चे को। प्रेमी सजनों, 13 साल के बच्चे के कहा कि इसके 20 कोड़े लगाओ। प्रेमी सजनों, जो कोड़े लगाने वाला था नूलाचंद साहब, ये तो 13 साल का बच्चा है, इस पर तो एक कोड़ा भी कोने आउट है, तेरे 20 कैसे उठेगा। नुक्कड़ लगा, ये मेरा ऑर्डर है प्रेमी सजनों, उस 13 साल के बच्चे के 20 कोड़े लगाए। लेकिन मड़ा साहब की आंखों में पानी नहीं आया और जज साहब ने देखा, भाई कुछ तो बात है इस लड़के के अंदर। निबला भाई, तेरे 20 कोड़े लगाए। निबला साहब, ये क्रांतिकारी नुक्कड़ कहते तू बच्चा है, उनसे डर जाएगा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ मैं भारत माँ का सच्चा सपूत हूँ। आप 20 कोड़े तब से 80 कोड़े मार लो, फिर भी मेरी आंखों में आंसू नहीं आएगा। एक बार उसके लिए तालियां बजाने से। कौन था वो? निबला भाई, तेरे माँ का नाम, तेरे पिता का नाम कौन है, तू कहां का रहने वाला है? सजनों, जज साहब के सामने उस 13 साल के बच्चे ने नाम बताया था। एक क्या पूछोगे जनाबे वाली? सजनों, जनाबे वाली उर्दू का शब्द, गौर करियो साथियों, और हिंदी में श्रीमान कहते हैं, उर्दू में जनाबे वाली कहते हैं और हिंदी में श्रीमान कहते हैं। क्या पूछोगे जनाबे वाली? बुरी तरह बर्बाद हूं मैं, मेरी माँ का नाम आजादी है, उसका बेटा आजाद। ऐसे ऐसे वीर सुरमा इस धरती पे पैदा हुए हैं। एक बात और बताओ मेरे साथी, आजादी चरखा आई है फांसी से? आजादी चरखे से आई है फांसी से? हमारे देश के अंदर फांसी से, क्या बात है। गांधी ने नई आजादी चला चला कर चरखा, और आजादी को लाने वाले सजनों वो सौदा कर गए। ऐसे ऐसे वीर सुरमा हुए हैं। चत्ता टोपे की बच्ची थी 5 साल की, अंग्रेजों ने पकड़ ली। नुक्कड़ लगे, तेरे पिता का नाम बता। सजनों, उसने अपने पिता का नाम नहीं बताया, लेकिन घोड़ा के टप्पा के नीचे कुचल दी। 5 साल की बच्ची सजनों अपने बाप का नाम नहीं बताया। ऐसी ऐसी आपने थोड़े से शहीदों के नाम सुने होंगे, लेकिन सजनों अंग्रेज नुक है 7,32,000 तो हमने मारे हैं हिंदुस्तानी, उनके पास रिकॉर्ड है। और वो बेचारे भी कितने मारे गए, 7,32,000 तो रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रेमी सजनों, बहुत से शहीदों का तो जिक्र नहीं है। आखिरी बात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, अड़सठ तीरथ साड़ी के बाहर।